हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है जी तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पट्ठे वाले ते। सो दोस्तों, अज असीं सूरत तों चल पए हां जी। सूरत तों असीं चाले पाले जी मुंबई असीं स्टे करना सी, बट अनफॉर्चुनेटली हुण असीं मुंबई स्टे नहीं करांगे जी। मुंबई स्टे करांगे जी वापसी दे विच। हुण साडी अज डायरेक्ट सिद्धी साडी तैयारी है जी पुणे लई। अज रात असीं पुणे नाइट स्टे करांगे और नैक्सट डे असीं सीधे डायरेक्ट जावांगे जी गोवा। थोड़ा जिहा साडे रूट दे विच चेंजेस आए आ, उह तुहानूं अगे वीडियो दे विच दस दांगे जी कि क्यों आए आ ते की प्रॉब्लम आ गई जिहदे करके सानूं मुंबई दी स्टे जिहड़ी उह वापसी च करनी पई। ते हुण असीं अज जा रहे हां जी पुणे। सो पुणे अज साडी थोड़ी ड्राइव ज़्यादा लंबी हो गई है जी। वैसे डेली दी साडी 5 to 6 घंटे दी ड्राइव हुंदी है, बट क्योंकि अज थोड़ी जी साढ़े किलोमीटर्स वध गए ने इहदे करके साडी ड्राइव भी अज 8 to 9 घंटे दी या 10 घंटे दे करीब साडी ड्राइव जिहड़ी उह अज दी बणेगी जी। सो मिलदे हां जी राहां दे विच। बाकी तुहानूं राह दे विच कुछ वधिया लोकेशनस आणगीआं तां उह वी तुहानूं दिखाउणे आ। तो रोड वधिया आ, कितने कितने थोड़ी बच्चे खराब आ रही है, बट ये कि चलो ऑलमोस्ट ठीक है, बट ये कि थोड़ा कि ये सिटी एरिया हैगा आ राइट नाउ, तो ये करके इतने ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा आ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਬਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰੋਨ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜੋ ਬਿਊਟੀ ਆ ਨੇਚਰ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੈਲੀ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਵੈਲੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਅਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪੇ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟ। ਯੈਸ, ਕਾਫੀ ਮੈਮ ਵਨ ਇੱਕ ਫਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਚਟਪਟਾ ਸਪਾਈਸ ਮਿਕਸ ਵਾਲੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਯੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੇਂਗੇ। जी और देख, मैं कैफे का मेन्यू देख तेरे कितने आइस कॉफी का देख ना, आइस कॉफी का देख मुग्गा है मग्गा हो मिला नगर से है। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋ ਜੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਕੜੀ ਦੀ ਤਈ 'ਚ ਤਈ ਫੇਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ੀ ਨਗਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ।
हाँ जी दोस्तों, एक गल तुहाडे नाल शेयर करनी है यार। मतलब जदों दे असीं ना साउथ साइड ते आए हैं, हुण मुंबई दे बिल्कुल कोल आ, इधर ना मैकडोनल्ड्स दा मेन्यू बिल्कुल चेंज हो गया है। मतलब कि जिहड़ा बर्गर, आई थिंक मैं पहला भी एक वीडियो दस्सिया कि जिहड़े बर्गर और जिहड़ा कॉफी वगैरह दा मेन्यू इन्हां दे कोल आ, नॉर्थ इंडिया दे विच है ही नहीं। और एड्डा सही मेन्यू आ वैज बर्गर, क्योंकि मैं नॉन वैज तो असीं ना मैं खाना ना छली खाँदा, मतलब कि जिहड़ा वैजीटेरियन मेन्यू भी एड्डा सही है ना, और कॉफी भी एड्डी सही है, कॉफ़ी का भी मेन्यू एड्डा सही है। क्योंकि कॉफ़ी के भी चार पाँच ऑप्शनस आ, अपने उधर नॉर्थ इंडिया के बस उ घिसया पिटे एको ही खाई जाते आ मैक आलू टिक्की आ पनीर बर्गर आ, इदा पनीर बर्गर बुर्गर इतने कुछ नहीं है। इतने अमेरिकन बर्गर समथिंग लाइक दैट इदा है आ, जो कि बहुत सही आ, बहुत ज़्यादा टेस्टी आ। अपने मेन्यू जो उधर कुछ है ही नहीं। हूँ असं इतों कॉफ़ी कराई सी और कॉफ़ी एड्डी सही सी कि अपनी कॉफ़ी तो उधर ही नॉर्थ इंडिया मैकडोनल्ड्स की तो वो लागे भी नहीं लगती कितने। ट्रैफिक हो जानी सी, असी दो दिन एक दो दिन सानू उत्थों निकलदा लग जानी सी। सो असी सोचा कि मुंबई दे विच असी वापसी दे विच ही रुकांगे। सो हुण असी सीधे चाले पाले सी जी गोवा वल नूं। सो पहला साडा इरादा सी कि असी पुणे रात रुकांगे, बट पुणे दे विच वी सेम ट्रैफिक, क्योंकि गणेश विसर्जन दी जिहड़ी कह लो कि एक हुंदी है विधि हर वारी हर साल हुंदी है, वह मुंबई तो भी ज़्यादा वड्डी पद्धर दे उत्ते हुंदी है जी पुणे दे विच। सो पुणे दे विच रश उस तो भी ज़्यादा होना सी, तां करके असीं पुणे वी नहीं स्टे कीती, असीं सीधा गोवा नूं चाले पा रहे सी जी। सो हुण रात दे वजे आ जी 12। सो असीं सतारा महाराष्ट्र दी एक सिटी है जी, उहदे विच फाइनली असीं आ के अपना होटल बुक कीता है जी, आ साडा रूम है। सो असीं अज रात नूं इत्थे रुकांगे, कल अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलांगे जी, और असीं अगर 6 बजे निकलदे हां तां उही दुपहर दे 1 या 2 बजे तक असीं कल गोवा पहुँच जावांगे। चलो सो हुण मिलदे हां जी सवेरे, हूँ टाइम बहुत हो गया, नींद बहुत आती पई है, अज पूरा दिन ड्राइव किया, सवेरे के 9 बजे तो लैके रात के 12 बजे तक पूरा ड्राइव किया जी अज। सो हूँ बुरा हाल होया जी, थक भी बहुत होया। सो सवेरे मिलते हैं जी राहां दे विच।